हेलो माय लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी, हैक्स, हॉल, रिव्यूज एंड लॉट मोर। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि मैं एक अजियो हॉल लेके आऊँ। आज का वीडियो होने वाला है एक बेसिक टी शर्ट हॉल, बिकॉज इस गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरी है बेसिक टी शर्ट्स होना। वो काफी अफोर्डेबल बेसिक टी शर्ट्स दिखाऊंगी जो आपको ऑफिस, कॉलेज और डेली वेयर के लिए ना बहुत काम आने वाली है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो जो फर्स्ट टी शर्ट इज द वन आई एम वेयरिंग, एंड कैन यू इमेजिन दिस इज जस्ट फॉर 183 रुपीज। सो सबसे पहले तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था जब मैंने इसे देखा ना। और इसमें ना दो तीन वेरिएशन है, एक पिंक वन भी था, सो वो भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था, बट मैंने एक ऑलरेडी पिंक इस हॉल में एड कर लिया था, सो मैंने ग्रीन वन चूज किया। ये बहुत ही प्यारी टी शर्ट है, काफी लाइट वेट इसका मटीरियल है। आप इसे हॉजरी और कॉटन वाला मटीरियल एक्सपेक्ट करना। दिस इज लाइक जैसे मैट टी शर्ट होती है ना, मैट फिनिश वाली, वैसी टी शर्ट है, बट काफी लाइट वेट और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरा साइज है इसमें L, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड परफॉर्मेक्स। एंड मैंने इनकी बाकी टी शर्ट भी चेकआउट की तो वो भी काफी अच्छी है और बहुत रीजनेबल प्राइस में है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस ब्रांड। फिट वगैरह इसका काफी अच्छा है, मैंने इसमें L साइज ऑर्डर किया और मुझे ना इस टाइप का बैगी वाला ही टी शर्ट चाहिए था। ये ज्यादा फुल लेंथ टी शर्ट नहीं है, क्रॉप्ड वाली टी शर्ट है, सो आपको बिल्कुल जहां पे आपकी जीन्स स्टार्ट होती है ना वेस्ट, वहां तक आपको सेट करेगी। सो मैं साथ में टाई ऑन लगाऊंगी, सो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। कॉलर्ड वाला नेक है, जैसे आजकल पोलो टी शर्ट्स काफी ट्रेंड में है ना, उस टाइप का टी शर्ट है, सो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। आप इसे कॉलेज में पहन के जा सकते हैं, ऑफिस में, नॉर्मल रेगुलर वेयर के लिए भी बहुत अच्छी टी शर्ट है। काफी ब्रीदेबल इसका मटीरियल है और प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कहूंगी ये स्टील डील है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, बहुत ज्यादा प्यारी लगी मुझे ये टी शर्ट। सो लिंक के लेना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, एंड डेफिनेटली आप इस ब्रांड की और भी टी शर्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी इसकी सच में काफी नाइस है अकॉर्डिंग टू द प्राइस, और पैटर्न वगैरह भी मुझे इसका काफी यूनिक लगा। सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो है दिस ब्यूटीफुल ना पीचिश पिंक कलर की टी शर्ट, एंड जिसके ऊपर लिखा है लॉस एंजलिस, और ये काफी प्यारी टी शर्ट है। अगेन ये क्रॉप्ड वाली टी शर्ट है, सो ये भी आपको ना लाइक आपके वेस्ट पे सेट होगी, बट ये काफी प्यारी टी शर्ट है। मटीरियल इसका काफी लाइट वेट है, बहुत ही ब्रीदेबल है, प्योर कॉटन की टी शर्ट है, जैसे टी शर्ट्स मटेरियल वाली होती है ना। राउंड नेक है और नेक पिन ऐसे वाइट कलर का डिटेल है। स्लीव्स इसकी कैप स्लीव्स हैं और इसका भी ना लुक बैगी वाला है, बिकॉज मैंने इसमें एल साइज चूज किया है, सो एल मुझे ना बैगी वाली क्रॉप टी शर्ट जैसे होती है ना वैसा वाला लुक दे रही थी। सो काफी प्यारी टी शर्ट है, एंड अगेन दिस इज जस्ट फॉर 153 रुपीज। कैन यू इमेजिन इतनी प्यारी क्वालिटी की टी शर्ट मिल सकती है 153 रुपीज में, बट मुझे मिली है बिकॉज इस टाइम चल रही है अजियो पे सेल। सो सेल में ना आपको काफी सारी चीजें अच्छे अच्छे प्राइजेस पे मिल जाती हैं। ये है फ्रॉम द ब्रांड टीम स्पिरिट, और इस हॉल में एक और भी टी शर्ट है इसी ब्रांड से, सो आई एम अमेज्ड विद द क्वालिटी। बहुत ही ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की टी शर्ट है, लाइक आप इसे पहन के जाओगे ना और आप किसी को बोलोगे मैंने ये 153 रुपीज में परचेज की है, कोई भी नहीं विश्वास करने वाला, बिकॉज ये इतनी प्यारी लग रही थी, एंड स्पेशली इसका कलर बहुत प्यारा कलर है। सो इस ब्रांड को भी ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली इनके पीसेस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सुप्रीम क्वालिटी की टी शर्ट जैसे बिल्कुल बेसिक है। सो दिस इज द सेकंड टी शर्ट, और आप चाहें तो इस ब्रांड को जरूर ट्राई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अमेजिंग टी शर्ट्स अवेलेबल हैं अजियो पे इस ब्रांड की। सो जो थर्ड टी शर्ट है वो एक बेसिक ब्लैक वी नेक टी शर्ट, ब्लैक बेसिक टी शर्ट होनी चाहिए, एंड स्पेशली इन वी नेक बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है, बहुत फ्लैटरिंग लगती है, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड गैप, एंड यू वोंट बिलीव ये मुझे 520 रुपीज की मिली। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सो क्वालिटी तो आपको पता ही होगा, गैप वगैरह की टी शर्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो इतना स्मूथ इसका फैब्रिक है, बहुत ही लाइट वेट ब्रीदेबल फैब्रिक है। स्लीव्स इसकी कैप स्लीव्स हैं, और इसकी भी ना लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है, सो एकदम परफेक्ट टी शर्ट जिस टाइप की होती है ना उस टाइप की टी शर्ट है। एंड एक बेसिक ब्लैक टी शर्ट होना ना आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा असेंशियल है, सो आप कॉलेज पहन के जा सकते हैं, ऑफिस, आउटिंग, इस टाइप की टी शर्ट वार्डरोब असेंशियल है, बिकॉज आप इससे बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, सिंपली आप अपने जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी टी शर्ट है, स्पेशली इसका वी नेक जो है ना वो बहुत अच्छे से बॉडी पे फॉल हो रहा था, बहुत प्यारी टी शर्ट है। साइज है इसका मीडियम, और मीडियम मुझे काफ़ी कंफर्टेबल था, काफ़ी प्यारी टी शर्ट है, एंड 520 रुपीज़ में मिल गई मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती, आई एम मोर देन है। इसका एक्चुअल प्राइस है 1300, सो मुझे ऑलमोस्ट 55% ऑफ पे ये मिली है। सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो अगेन फ्रॉम द
ब्रांड है टीम स्पिरिट एंड ये अगेन क्रॉप वाली टी शर्ट है और इसमें मेरा साइज है एल, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स है और इसका जो बेस है वो कुछ आइवरी सॉर्ट ऑफ क्रीम कलर है एंड इसके ऊपर ब्राउन कलर की स्ट्राइप्स हैं। कैप स्लीव्स है, राउंड नेक है, बेसिक राउंड नेक, बट इसका मटीरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये मुझे 420 रुपीज़ की पड़ी है। उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इतना लाइट वेट फैब्रिक है, पहनने के बाद बॉडी पे फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पहना है। बहुत अमेजिंग इसका फिट आया। एल साइज था तो मुझे थोड़ा सा लूज था, बट मुझे ऐसे ही अपने टी शर्ट्स पसंद है। सो अगर आपको एकदम फिटेड लुक वाली चाहिए सो यू कैन गो फॉर एम, बट अगर आपको थोड़ा लूज फिट पसंद है सो आप एल के लिए जा सकते हैं। और ये टी शर्ट की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। पीछे से भी एकदम बेसिक वाला राउंड नेक है। सो इफ यू आर इन सर्च ऑफ सम बेसिक स्ट्राइप टी शर्ट सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट वाइब दे रही थी पहनने के बाद, ऐसे बहुत क्यूट वाली फीलिंग आ रही थी। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बिकॉज स्ट्राइप टी शर्ट्स ना लाइक एक तो होनी चाहिए वार्डरोब में। आई थिंक परफेक्ट है फॉर दिस समर बिकॉज काफी ब्रीदेबल फैब्रिक है इसका एंड दिस इज परफेक्ट फॉर योर ऑफिस एंड कॉलेज। आप आउटिंग्स में कैरी कर सकते हैं थोड़ा स्टाइल अप करके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो जो नेक्स्ट टी शर्ट है वो अगेन फ्रॉम द ब्रांड गैप है एंड दिस इज अगेन फॉर 580 रुपीज। आई थिंक एग्जैक्ट प्राइस जो भी होगा ना मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी बिकॉज मुझे पता ही है 500 अराउंड की थी बट एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है। सो स्क्रीन पे आप चेक कर लेना एंड दिस इज अगेन अ वी नेक टी शर्ट एंड इसमें मेरा साइज है एल। सो ये मुझे प्रॉपर बैगी वाला लुक दे रही थी। फैब्रिक इसका अगेन बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी का है। वी नेक इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है, थोड़ा सा डीप वी है, बहुत अच्छे से आपकी नेक फ्लॉन्ट होने वाली है। सो बहुत अमेजिंग लग रही थी ये पहनने के बाद एंड सबसे स्पेशल है इसका कलर, दिस इज़ अ ब्लूइश पर्पल कलर। सो काफ़ी डिफरेंट सा कलर है। स्लीव्स इसकी अगेन वही कैप स्लीव्स हैं और आपको ये अगेन अपर थाई पे सेट करेगी। सो एक परफेक्ट टी शर्ट है फॉर दिस समर और इसका फैब्रिक तो मैं आपको क्या बताऊँ, यू नो द फैब्रिक क्वालिटी ऑफ गैप। सो अगेन इसका ओरिजिनल प्राइस था 1300 और ये मुझे 500 समथिंग की मिली। सो अगेन इसमें 55% तक ऑफ था। सो इफ यू आर समवन जिनको ब्रांड्स का लाइक बहुत ज्यादा शौक रहता है कि हाँ ब्रांडेड चीजें ही पहननी है सो दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। आपको बहुत अमेजिंग डील्स एंड डिस्काउंट मिल जाएंगे सेल के टाइम पे। आपको इस टाइम पे अजियो जरूर चेक करना चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा अमेजिंग डील्स चल रही हैं। आपको ब्रांडेड चीजों पे काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये हॉल पसंद आया होगा। काफी बेसिक टी शर्ट थी सो आई थिंक बेसिक टी शर्ट ना सबसे ज्यादा वर्सेटाइल होती है बिकॉज यू कैन स्टाइल अप अकॉर्डिंगली। लाइक अगर किसी चीज में कोई प्रिंट है या फिर समथिंग है सो आपको स्टाइल करने से पहले थोड़ा देखना पड़ता है, बट इफ समथिंग इज सॉलिड और बेसिक तो आप उसको स्टाइल करने से पहले ना बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता। दे कैन गो विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको आज का हॉल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।